पिछले वीडियोस में हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमें जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिलता है, जैसे कि ये आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपका मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है ये प्रॉब्लम या फिर मिनिमाइजेशन का हो सकता है। तो जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको मिलता है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हिडन रहता है। तो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट हमें उस हिडन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। तो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, जो प्रॉब्लम आपके सामने है, उस प्रॉब्लम को आप प्राइमल प्रॉब्लम कंसिडर कीजिए। सो इट इज़ योर दिस प्रॉब्लम, दिस एलपीपी विच इज़ गिवन टू यू विल बी नोन एज प्राइमल प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डेवलप ड्यूअल ऑफ दिस प्राइमल एलपीपी। हमें इस प्राइमल प्रॉब्लम का, इस प्राइमल एलपीपी का ड्यूअल फॉर्म डेवलप करना है। तो जब भी हम अपने एलपीपी के प्राइमल एलपीपी का ड्यूअल फॉर्म डेवलप करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो हर एक कॉन्स्टेंट्स के पास लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को एक छोड़ के आपके पास जो भी कॉन्स्टेंट्स गिवन हैं, ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट हैव लेस देन इक्वल टू साइन इफ योर ऑब्जेक्टिव इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और कॉन्स्टेंट्स के पास लेस देन इक्वल टू के साइन है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और किसी कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, तो आपको मालूम है दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके और इसको लेस देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हो अगर प्राइमल के पास ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है। ऐसा करने के बाद, ये चेक करने के बाद, हम जितने भी हमारे एलपीपी के कॉन्स्टेंट्स हैं उन सब कॉन्स्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम ड्यूअल वेरिएबल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्राइमल के पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए हमें दो ड्यूअल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना है। सो लेट अस अज्यूम y1 is the dual variable corresponding to first constant of this primal and y2 is the dual variable corresponding to second constant of this primal LPP. हम यहाँ पर y1 y2 को for the sake of simplicity रख रहे हैं, क्योंकि easy रहेगा हमें अपना dual develop करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर y1 y2 को हमने यहाँ पर show किया है। अब आपको मालूम है ड्यूअल में वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे जो हमारे प्राइमल का होता है। आपको मालूम है हमारे प्राइमल में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन को के साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वी हैव अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वी हैव नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। योर ड्यूअल प्रॉब्लम विल ऑल्सो हैव सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। There will be one objective function, a set of constraints and non-negative restrictions. So let us develop our objective function, the objective function of our dual problem. Objective function को develop करने के लिए हम check करते हैं कि हमारे primal के पास कौन सा objective है। हमारे primal के पास maximization का objective है, तो इस प्रॉब्लम के ड्यूअल के पास मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव चलेगा। सो योर ड्यूअल एलपीपी विल हैव मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव।
अब यहाँ पर z आपको मालूम है हर जगह z ही हम डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप z नहीं ले सकते तो आप चेंज कर लीजिए और z डैश कर लीजिए. सो मिनिमाइज z डैश इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी हुई हैं जिनको हम BIs कह सकते हैं, ये है B1, ये है B2, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पेक्टिव डुअल वेरिएबल से. सो 20Y1 प्लस 10Y2, प्लस इसलिए क्योंकि 10 के सामने आपका माइनस प्लस साइन है, प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो यहाँ पर आपका प्लस साइन आएगा. तो यहाँ पर आपका 20Y1 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम Y2 से, तो ये बन जाएगा आपका 10Y2. अगर यहाँ पर माइनस 10 होता तो ये यहाँ पर हम माइनस 10Y2 लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस 10 है इसलिए ये 10Y2 फॉर्म में. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ हमारे ड्यूअल. अब हमें कांस्टेंट्स डेवलप करना है. कांस्टेंट डेवलप करने के लिए हम अपने हर एक, ये ध्यान में रखने की बात है कि ड्यूअल के पास उतने ही कांस्टेंट्स होंगे जितने प्राइमल के पास वेरिएबल्स हैं. इफ़ योर प्राइमल हैज़ टू वेरिएबल्स देन योर ड्यूअल विल हैव टू कांस्टेंट्स. इफ़ योर प्राइमल हैज़ थ्री वेरिएबल्स देन योर ड्यूअल विल हैव थ्री कॉन्स्टेंट्स. तो हमारे प्राइमल के पास दो वेरिएबल्स हैं x1 x2, तो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स ड्यूअल में होंगे. चलिए उसको डेवलप करते हैं. हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है x1, उसके कोफिशियंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे. देखिए x1 का कोफिशियंट यहाँ पर 5 दिख रहा है, इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पेक्टिव ड्यूअल वेरिएबल से, 5 मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस, अब दूसरे कांस्टेंट में x1 के कोफिशिएंट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि है 7. इस 7 को उसके रेस्पेक्टिव ड्यूअल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7y2. 5y1 प्लस 7y2. अब मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हम इंश्योर किए थे कि हमारे कांस्टेंट्स के पास लेस देन इक्वल टू का साइन हो, इसलिए हमारे ड्यूअल में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा. इच कॉन्स्टेंट विल हैव ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इन ड्यूअल प्रॉब्लम इफ योर प्राइमल हैज लेस देन इक्वल टू साइन. तो 5y1 प्लस 7y2 ग्रेटर देन इक्वल टू, RHS में वही वैल्यू आएगी जो आपके उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स का कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिख रहा है. हमारा वेरिएबल है अभी x1 को हम लेके चल रहे हैं, x1 का कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने देखा 6 है, तो यहाँ पर RHS में आप लिखेंगे 6. अब हम आते हैं अपने सेकेंड वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल के पास. आप देख सकते हैं यहाँ पर x2 का कोफिशियंट 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मीन्स y1 प्लस, हेयर द कोफिशियंट ऑफ x2 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय रेस्पेक्टिव ड्यूअल वेरिएबल 3y2. अगेन द साइन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जस्ट ऑपोजिट. जैसे यहाँ पर मैक्स का ऑपोजिट मिल लिया उसी तरह से यहाँ लेस देन इक्वल टू का ऑपोजिट हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं कॉन्स्टेंट्स में. अब आप समझ सकते हैं x2 का कोफिशियंट हमें चेक x2 वेरिएबल को डील कर रहे हैं, इसलिए x2 वेरिएबल का कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का चेक करेंगे क्या है, 9 है. यही 9 यहाँ पे LHS के पार्ट में हम यहाँ बता रहे हैं. अब हमने कहा था कि ड्यूअल के पास उतने ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं जितने प्राइमल के पास वेरिएबल्स होते हैं. तो प्राइमल के पास दो वेरिएबल्स था, तो इन दोनों वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग दो कॉन्स्टेंट्स हमने डेवलप किया. अब ये भी एक LPP है और LPP फैमिली में जो भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं उस वेरिएबल्स पर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है, इसलिए y1 y2 मस्ट will greater than or equal to 0. So non-negative restriction will also
operate in dual problem. So this is dual of this primal LPP. डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ मैक्स की जगह पर मिल ले सकते हैं. मान लीजिए प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता, चेंज कर लेते हैं हम अपने प्रॉब्लम को. सपोज प्राइमल इज, योर प्राइमल एलपीपी इज मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू सपोज 7x1 + 5x2 9x1 + x2 3x2. चूंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे कांस्टेंट के पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो. तो मान लीजिए ये 35 है और 7x1 + 2x2 ≥ 20. इनमें से कोई ग्रेटर देन का नहीं हो, लेस देन का नहीं हो, तो आपको मालूम है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके हम उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं. x1 x2 ≥ 0. This is your primal LPP and you want to develop its dual. So dual is, हमने चेक किया कि हमारे पास मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टेंट्स के पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है. अब हम हर एक कॉन्स्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे. सो लेट अस इंट्रोड्यूस y1 एंड y2 डुअल वेरिएबल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गिवन प्राइम. नाउ द डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ डुअल प्रॉब्लम विल बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, जस्ट अपोजिट ऑफ मिनिमाइजर. यहाँ मिन है तो यहाँ पर मैक्स होगा, वहाँ z है तो यहाँ पर z डैश दीजिए, z स्टार दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं. इज इक्वल टू 35, अगेन दिस RHS वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिस्पेक्टिव डुअल वैल्यू. 35 y1 + 20 y2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. अब हमारे पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स है सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्स्टेंट हमारा डेवलप होगा डुअल में. चलिए हम शुरू करते हैं x1 से. x1 का कोफिशियंट है 9 मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस दूसरे कॉन्स्टेंट में x1 का कोफिशियंट 7 दिख रहा है, 7y2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डुअल वेरिएबल से. साइन ग्रेटर देन का है तो डुअल में इसका अपोजिट होगा लेस देन इक्वल टू. x1 का कोफिशियंट 7 यहाँ लेके यहाँ RHS आपका 7 आ जाएगा. अब x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट को डेवलप करेंगे हम, 3y1 + 2y2 ≤ x2 का कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5. ये डुअल का RHS हो जाएगा सेकेंड कॉन्स्टेंट. एंड y1 y2 ≥ 0. सो दिस इज ड्यूअल ऑफ योर प्राइमल एलपीपी व्हेन योर प्राइमल हैज मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव. मान लीजिए कि एक यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होता है तो क्या होता, प्रॉब्लम को थोड़ा बदल लेते हैं. Suppose it is x, it is 9x3, here 2x1 plus 5x2 plus 3x3, x1 plus 9x2 plus 7x3, x1, x2, x3, x1, x2, x3 are greater than equal to 0. ये कैसा LPP है जिसके पास 3 variables हैं, 2 कॉन्स्टेंट हैं, 3 वेरिएबल्स हैं. तो आपके डुअल के पास, चूँकि यहाँ पर प्राइमल के पास 3 वेरिएबल्स हैं तो डुअल के पास 3 कॉन्स्टेंट्स डेवलप होंगे. चलिए पहले डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करें. मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है प्राइमल में तो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स का हो जाएगा. मैक्स जेड डैश और जेड स्टार इज इक्वल टू 30. हमने अपना डुअल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट कॉन्स्टेंट का y1, सेकेंड का y2. सो 35 y1 + 20 y2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. पहले डिसीजन वेरिएबल में आइए, 2 y1
प्लस यहाँ इसका कोफिशियंट वन, वन वाई टू यानी कि वाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन चलेगा, अगर प्राइमल में ग्रेटर देन का है तो डुअल में लेस देन इक्वल टू का, और एक्स वन का कोफिशियंट हम देख रहे हैं सेवन है, सेवन, एक्स टू में आइए फाइव वाई वन प्लस नाइन वाई टू लेस देन इक्वल टू, एक्स टू का कोफिशियंट फाइव ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये इसका आरएचएस होगा। हमारा तीसरा डिसीजन वेरिएबल भी है, इसका मतलब हमारे डुअल के पास तीसरा कांस्टेंट डेवलप होगा, तो इसका एक्स थ्री का कोफिशियंट थ्री है, तो थ्री वाई वन प्लस सेवन वाई टू लेस देन इक्वल टू, एक्स थ्री का कोफिशियंट आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नाइन है, सो इट इज नाइन, सो योर डुअल हैज थ्री कॉन्स्टेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ योर प्राइमर, y1, y2 must be greater than or equal to 0. This is your dual of the given primer. Now, we can move further. Now, we can move further and we can consider a maximization problem with three variables and three constants. Three variables and three constants. Two x one plus x two plus five x three less than equal to ten. Now suppose four x one plus two x two plus 6x3 less than equal to 12, 3x1 plus 9x2 plus 7x3 less than equal to 20, x1, x2, x3 are greater than equal to 0. प्राइमल में कोई भी साइन हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्स या मिन, मैक्स का होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन इंश्योर करना है, हमने चेक किया हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है कॉन्स्टेंट्स के भीतर, जो कि तीन हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए हम इंट्रोड्यूस हम तीन डुअल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू इच कॉन्स्टेंट्स, इच कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन प्राइमर, वाई वन वाई टू वाई थ्री आर थ्री डुअल वेरिएबल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री कॉन्स्टेंट्स ऑफ योर प्राइमर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल इज minimize z dash is equal to 10y1 plus 12y2 plus 20y3। हमने RHS की वैल्यू को रेस्पेक्टिव डुअल वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x1 का कोफिशियंट है 2, 2y1 plus 4y2 plus 3y3 ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, आप देख सकते हैं x1 का कोफिशियंट सेवन है, ना x2 का कोफिशियंट वन है, y1 प्लस टू वाई टू प्लस नाइन वाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट विल बी फाइव वाई वन प्लस सिक्स वाई टू प्लस सेवन वाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू x3 का कोफिशियंट नाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, y1, y2, y3 must be greater than or equal to 0. Thank you so much.